क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन इज थ्री रोटन एप्पल्स आर मिक्सड विद सेवन एप्पल्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स इफ थ्री एप्पल्स आर ड्रॉन वन बाई वन विद रिप्लेसमेंट फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स ठीक है सो यहाँ पे आपका जैसे बताया है कि बताया कि प्रॉबलिटी डिस्ट्रूशन नंबर ऑफ रोटन हम रेंडे वेरिएबल एक्स डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो आपका क्या है एप्पल्स आर ड्रॉन वन बाई वन थ्री एप्पल्स ऑब्वियसली थ्री एप्पल्स आर ड्रॉन वन बाई वन विध रिप्लेसमेंट फ्राम द टेन एपल्स क्योंकि टोटल हमारे थ्री और सेवन अच्छा तो टेन एपल्स हो गए वन बाई वन विद रिप्लेसमेंट फ्राम सेवन एप्पल्स ठीक है नाओ uh, एक्स जो है क्या बताएं नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स नंबर ऑफ रोटन ऐपल्स चलिए तो एक्स जो वैल्यूज़ लेगा एक्स देर फॉर एक्स विल टेक वैल्यूज़ कितने रोटर मतलब मैक्मम थ्री ए, थ्री है ना तो एक्स विल टेक वैल्यूज ज़ीरो वन टू थ्री तो एक एक करके प्रॉपर्टी निकालते हैं एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब कि जीरो का मतलब है कोई भी रोटा न मतलब ऑल गुड एप्पल्स ओके सो आप ऑल गुड है ना हमारे को निकालने तो अगर आप मैं देखो मैं डिफाइन करता हूँ इवेंट ए ईवेंट दिखाना है फर्स्ट एप्पल इज गुड बी मैंने डिफाइन करा सेकेंड एप्पल इज गुड और सी मैंने डिफाइन थर्ड एप्पल इज गुड और ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली रॉटन हो जाएंगे ना तो ये कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट इज रॉटन बी कॉम्प्लीमेंट सेकेंड एप्पल इज रॉटन सी कॉम्प्लीमेंट थर्ड एप्पल इज रॉटन तो ऑल गुड एप्पल्स तो इसमें जाएगा प्रॉबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसको हमारे प्रॉबीबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस और मल्टीप्लाइट बाई प्रोबेबिलिटी क्योंकि देखिए हमारे क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं क्योंकि हमारा केस क्या है विथ रिप्लेसमेंट वाला सो so इंडिपेंडेंट हो गए तो ये जाएगा? ए कितना जगह प्रॉबीबिलिटी ऑफ ए कितना जगह आपका आ, कितने हैं आपके तो टोटल टेन में से सेवन आर गुड सेवन बाई टेन सेवन बाई टेन इंटू सेवन बाई टेन तो यह जगह टू फोर्टी थ्री डिवाइडेड बाई अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू वन के बारे में तो प्रॉबीबिली का मतलब कि वन रॉटन एप्पल एंड टू फ्रेश एप्पल्स या गुड एप्पल्स भी कह है सकते हैं आप ठीक है फ्रेश अगर यहाँ पे इसमें वर्ड्स फ्रेश लिखा हुआ था फ्रेश ऑब्लिक फ्रेश ऑब्लिक फ्रेश है ना ये भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें अच्छा इसका मतलब वन है तो वन एंड वन इज़ फ्रेश एंड टू आर रोटन अगर देखिए अब आप इसको समझिए कि इसका क्या लिख इसमें आप करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ही रॉटन या फर्स्ट ही फ्रेश हो वो कुछ भी हो सकता तो अगर मैं फ्रेश को ऐप से डिनोट करूँ तो आपके पास बोलिए एफ आर आर मतलब फ़र्स्ट आपका फ्रेश है बाकी सेकेंड थर्ड रॉटन है या फर्स्ट रॉटर्न आ गया सेकेंड फ्रेश आ गया थर्ड रॉटन आ गया या ये हो सकता है कि फर्स्ट सेकेंड दोनों रॉटन है थर्ड ऐप पर आपका फ्रेश है तो यही पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पर मैं थ्री मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूँ है ना थ्री मल्टीप्लीकेशन में क्यों कर रहा हूँ नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी अगर मैं प्रॉबलिटी निकालूंगा तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो मैं फर्स्ट आपका फ्रेश मेरे को दिखे दिया है ना तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ प्रॉबलिटी एफ आर आर ताकि आपका क्लैर हो जाए प्लस प्रॉबलिटी आर एफ आर प्लस प्रॉबलिटी समझाने के लिए लिख दिया मैंने आर आर एफ है ना तो इसमें रॉटन एंड रॉटन एंड फ्रेश इसमें क्या रॉटन फ्रेश रॉटन इसमें फ्रेश रॉटन रॉटन तो इसमें आप देखेंगे तो फ्रेश हमारे सेवन ही तो सेवन बाई आपका हो जाएगा टेन इसमें ऑल्टन है तो थ्री बाई टेन इसमें भी आ जाएगा थ्री बाई टेन क्योंकि इंडिपेंडेंट है प्लस ये भी आपका देखेंगे तो बस ये ऑल्टन आपका बस ये आगे पीछे होगा सेवन बाई टन थ्री बाई टेन तो आपका जगह थ्री बाय टेन सेवन बाई टेन थ्री बाय टेन प्लस आपका जगह थ्री बाय टेन थ्री बाई टेन सेवन बाई टेन क्लियर हो गया तो इसको आप जाएगा थ्री टाइम्स ये ले सकते हैं थ्री टाइम्स दिस सेवन इंट थ्री इंटू थ्री डिवाइडेड बाई थाउजेंड भी लिख सकते हैं थाउजेंड ठीक है ओके टू फोर्टी थ्री इंटू सेवन ओ सॉरी ट्वेंट थ्री थ्री जो नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन इंटू सेवन हो जाएगा ट्वेंटी सेवन इंटू सेवन डिवाइडेड बाई था सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन सेवन टीज ऑफ फोर्टीन वन एटी नाइन बाई थाउजेंड एक बार कन्फर्म कर लेते हैं तो ट्वेंटी सेवन इंटू सेवन सेवन ऑफ़ फोर्टी नाइन फोर सेवन फोर्टीन एटीन हो गया तो एटीन वन एटी नाइन बाई नाइनटीन थाउजेंड uh, हो गया तो ये हमारा गया प्रॉबिलिटी एक्स इक्वल टू टू पे बात करते हैं तो एक्स इक्वल टू टू में क्या होगा दो आपके क्या होंगे रॉटन और एक फ्रेश होगा प्रॉबिलिटी एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू आपका थ्री में uh, सारे के सारे रॉटन होंगे तो पहले एक्स इक्वल टू टू केस में करते हैं तो आपके दो uh, आपके रॉटन होंगे और एक आपका क्या होगा uh, इसमें एक चीज जैसे मैंने डिफाइन किया नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स तो एक्स इक्वल टू वन में आप यहाँ पे माइंड माइंड करिए कि यहाँ पे एक रॉटन था और दो फ्रेश होने चाहिए थे तो यहाँ पे वन इज रॉटन आएगा एंड टू आर आपका आएगा वन इज रॉटन क्योंकि डिफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो टू वन इज रॉटन टू आर फ्रेश तो अगर इसमें देखेंगे तो आपका ये जो मैं केस करने वाला था इससे रियलाइज़ हुआ है ना क्योंकि डेफिनेशन वाइज थी तो ये पॉसिबिलिटी ना हो के आपकी क्या आएंगी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ये भी रिमूव कर देते हैं तो ये हमारा पूरा हटिएगा यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे ना तो वैल्यूज़ में डिफरेंस आएगा ये वाला केस एक्चुअली जो मैंने कह रहा वन एटी नाइन थाउजेंड आपका मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा तो ये वाला एक्चुअली केस इसमें चला जाएगा तो ये अगर मैं रिमूव ना करके इसको एक्स इक्वल टू टू कर देता तो ज़्यादा बेटर रहता ठीक है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आप मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे आप बाद में कर देना तो यहाँ पे 189 एटी नाइन बाई थाउजेंड कैसे आएगा वो आपको थोड़ी देर में क्लियर कर देता हूँ अच्छा ये हो गया वन इज़ नॉट टू आर फ्रेश तो इसमें जो होगा हमारा एफ एफ आर दो फ्रेश एक वन इज है ना या हो जाएगा एफ आर एफ या हो जाएगा तुम्हारा आर एफ एफ और कोई पॉसिबिलिटी है अगर अपामोडेशन के हिसाब से भी जाएंगे तो आप देखेंगे तो आपका दो आ, वो हो जाएगा एफ एफ आर एफ आर एफ आर एफ एफ तीन आइटम है इसमें से थ्री फैक्टोरियल डिवाइड है टू फैक्टोरियल तो देखेंगे थ्री ही आएगा आपका है ना तो ये क्लियर है हमारा एकदम तो ये हो गया इसको करते हैं फटाफट फ़ड़। तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ एफ आर एफ आर एफ फ्रेश 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 है ना ये मतलब ये फ्रेश रॉट एन फ्रेश तो अगर आप करेंगे तो फ्रेश हमारे कितने हैं सेवन सेवन बाई टेन इंटू सेवन बाई टेन इंटू थ्री बाई टेन या हो जाएगा सेवन बाई टेन इंटू थ्री बाई टेन इंटू सेवन बाई टेन प्लस सेवन बाई टेन इंटू एफ एफ आर रही है एफ एफ आर एफ एफ आर एफ 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 आर एफ आर एफ आर एफ एफ तो ये जगह थ्री बाई टेन सेवन बाई टेन इंटू सेवन बाई टेन सॉल्व करेंगे तो आपका जगह थ्री टाइम्स ये हो जाएगा सेवन इंटू सेवन अपॉन इंटू थ्री डिवाइड विद थाउजेंड तो सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन थ्री थ्री जन नाइन अपॉन टू नाइन एटी वन एट हो जाएगा एट नाइन और फोर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस एट थर्टी सिक्स प्लस एट करेंगे तो फोर फोर्टी वन हो जाएगा अपॉन में थाउजेंड ठीक है ला और ये मैंने आपको बता दिया था कि वन एटी नाइन बाई थाउजेंड कैसे आएगा क्योंकि आपको क्लियर ये मैंने आपको पूरा केस बताया था कि आपके आपके यहाँ पे दो रोटन होंगे और एक फ्रेश होगा तो आर एफ आर 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 एफ और हो जाएगा आ, आर आर एफ हो गया और आर एफ आर आर हो जाएगा यही तीन पॉसिबिलिटी बचेगी तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अभी हमने आंसर निकाल था। 189 था। था। तो में लिया था वन एटी नाइन बाई थाउजेंड आया था तो ये वाला केस मैंने एक्चुअली यहाँ पे सॉल्व कर दिया था ओके नाउ अब बात करते हैं वन एटी नाइन बाई थाउजेंड उसको आप देख लीजिएगा है ना तो आपको बस वहाँ पर समझ आएगी एक्स इक्वल टू टू है वहाँ पर तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा केस है ना अच्छा नाव इसके बाद हमारा था एक्स इक्वल टू थ्री एक्स सिक्योरिटी थ्री में आपका क्या हो जाएगा तीनों के तीनों रॉटर्न होंगे तो इसका ना तो तीनों ऑल ऑल आर रोटन तो जाएगा प्रॉबिलिटी तो ऑल रोटन में कितना हो जाएगा आपका थ्री बाई टेन इंटू थ्री बाई टेन इंटू थ्री बाई टेन तो अगर करेंगे थ्री थ्री नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन बाई थाउजेंड अब आप इन दिनों का सम मन भी होना चाहिए तो कन्फर्म कर लेते टू फोर्टी थ्री प्लस फोर फोर्टी वन प्लस वन एटी वन वन एटी नाइन और लास्ट में हमारा ट्वेंटी सेवन इन सब का समारा कितना होना था चाहिए थाउजेंड क्योंकि फिर वन नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी तो नाइन सिक्सटीन सेवनटीन ट्वेंटी हो गया फोर फोर एट टेन हो गया एट टेन हो गया जीरो जीरो तो यहाँ पर आ जाएगा टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये नाइन हंड्रेड है इसमें हमारा एक अभी यहाँ पे लग रहा है कि हमारा कुछ मिस हुआ है दोबारा देख लेते हैं फोर तो वन एटी नाइन और लास्ट में हमारे थ्री थ्रीजा नाइन थ्रीजा ट्वेंटी सेवन बाई थाउजेंड आपका ये हमने कैलकुलेट कर दिया है इसमें फ़ोर फोर्टी वन आया इसमें टू फोर्टी थ्री आया सेवन सेवन जब फोर्टी नाइन 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 जेड एटी वन ओहो फोर नाइन जैद थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस एट फोर फोर्टी वन होता है सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन एक बार कन्फर्म करें दो तो ये आपका सेवन सेवनजॉफ फोर्टी नाइन ये फोर फोर्टी वन होता है टू फोर्टी थ्री आपका फोर वन देख लेते हैं ये फोर फोर्टी वन हुआ है सेवन सेवनजा फोटा नाइन नाइन जो एटी वन नाइन फोर नाइन जो थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स फोर फोर्टी वन हो गया है चलिए तो फोर फोर्टी वन आपका इसमें भी आया है और फोर सेवन सेवनज़ ऑफ फोर्टी नाइन इंटू नाइन सेवन सेवनजा फोटी नाइन इंटू सेवन करना है uh, यहाँ पे बट आई एम डोइंग यहाँ पे सेवन होगा बहुत ही ज़्यादा असली मिस्टेक्स हो रही हैं ठीक है तो इसको अभी यहाँ पर हटाते हैं आपका यहाँ पे हो जाएगा सेवन से सेवन नाइन जी नाइन सेवन सिक्सटी थ्री सिक्स ट्वेंटी एट फोर सेवन ट्वेंटी एट प्लस सिक्स टू फोर्टी थ्री ओ सॉरी थ्री फोर्टी थ्री थ्री फोर्टी थ्री हो जाएगा बच्चे यहाँ पे थ्री फोर्टी थ्री सो आप देखिए ऐसे आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि वेदर यू आर डूइंग इथ करेक्ट और नॉट तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एक कैलकुलेशन मिस्टेक का मिल जाएगा तो 343, फोटी थ्री आई एम हैप्पी दैट आई डन लाइक दिस बिकॉज आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन होगा हाँ ये से भी चेक कर सकते हैं तो 343, फोर्टी थ्री फोर फोर्टी वन तो कन्फर्म कर लीजिएगा सब मिशेस को वन एटी वन वन एटी नाइन एंड ट्वेंटी सेवन ये, 9, 7, 16, 4, ये 20 हो जाएगा नाइन सेवन सिक्सटीन प्लस फोर ये ट्वेंटी हो जाएगा टू फोर फोर एट नाइन टेन ये भी ज़ीरो टू फिर सेवन एट नाइन टेन परफेक्टली ओके सो ये हो गया हमारे पास नाउ वी कैन मेक द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और उसके बाद हम निकाल सकते हैं हमारा मीन uh, ठीक है तो आप पहले इसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखिए सो so, ये एक्स हो जाएगा ये पी एक्स हो जाएगा वन ज़ीरो वन टू थ्री सो ये हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी जीरो के कास्पॉन्डिंग आपका क्या है वैल्यू थ्री फोर्टी थ्री बाई थाउज़ेंड वन के करस्पॉन्ड हमारा छा फोर फोर्टी वन बाई थाउज़ेंड थ्री के करस्पों टू के करस्पॉन्डिंग था हमारा वन एटी नाइन बाई थाउजेंड और यह जगह ट्वेंटी सेवन बाई थाउजेंड चलिए अब हमारे को मीन निकालना है तो मैं मीन निकाल लेता हूँ जिसको हम कह सकते हैं बार तो बार कितना हो जाएगा हमारा जीरो इसको हम लिख देते हैं पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा समीशन एक्स मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय पी एक्स है ना ये माइनस इसको ठीक है क्रॉस है ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का साइन है नाउ दैट विल बी एक्स पी एक्स भी लिख सकते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो इंटू टू फोर्टी तो जीरो जाएगा वन इंटू फोर फोर्टी वन बाई थाउजेंड तो फोर फोर्टी वन बाई थाउजेंड हो जाएगा टू टाइम्स कर देंगे वन एटी नाइन का तो वन एटी नाइन का टू टू नाइन जो एटीन टू एट जो सिक्सटीन सेवनटीन टू वन जो टू एट थ्री थ्री सेवेंटी एट डिवाइडेड बाई थाउजेंड प्लस ट्वेंटी सेवन इंटू थ्री एटी वन बाई थाउजेंड एक बार कन्फर्म कर लेते हैं टू नाइनज़ा एटीन मतलब इनको मिली टू नाइनज़ एटीन वन नाइन्टी वन नाइन्टी का सम आपका हो जाएगा तुम्हारा थ्री एटी थ्री में से टू सब कर देंगे तो थ्री सेवेंटी एट परफेक्ट है ठीक है सही आया बिल्कुल सो अब इनका सम कर देते हैं थाउजेंड तुम्हारे नीचे डिनोमीटर में रहेगा ही तो थ्री सेवेंटी एट प्लस फो वन और तुम्हारा लास्ट में एटी वन ज़ीरो वन फिफ्टीन एट इन सेवन फिफ्टीन प्लस फिफ ज़ीरो टू और आपका फोर थ्री सेवन और 9, नाइन ओके नाइन हंड्रेड आ गया ये ओके सो आपका नाइन हंड्रेड आ गया कैंसिल आउट कर रहा एक जीरो से एक जीरो तो रह ही जाएगा हमारा तो नाइन बाई टेन आ जाऊगा नाइन बाई टेन ये हमारा क्या नाइन बाई टेन जो को हम जीरो पॉइंट टेन जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट नाइन भी लिख सकते हैं सो जीरो पॉइंट नाइन जो आ जाएगा हमारा मीन आ जाएगा दिस इज आवर फाइनल आंसर बच्चों आई होप यू